सो हेलो गाइज, आज है 7 नवंबर 2018 और आज आया पेटीएम केवाईसी का बहुत ही बड़ा अपडेट जिसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताए गए हैं, जिन ट्रिक्स को यदि आप फॉलो करते हो तो आप अपने पेटीएम अकाउंट के केवाईसी कर पाओगे। और आज की इस वीडियो में मैं वही ट्रिक बताने वाला हूँ जो आज के अपडेट में आया है, जिसके जरिए आप अपना पेटीएम अकाउंट का केवाईसी कर पाओगे। इसके लिए करना कुछ नहीं, आपको जितने भी वीडियो में स्टेप्स बताऊंगा सभी स्टेप्स को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने भी इसी ट्रिक के जरिए अपना पेटीएम अकाउंट का केवाईसी कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा वेरीफाइड का टिक आ चुका है, जिसके जरिए मैं किसी से भी पैसा ले सकता हूं और किसी को भी सेंड कर सकता हूं। यहां पे देख सकते हो मेरा ये पेटीएम वॉलेट है और मैंने किसी को यहां पे एक बंदे को पैसा भेजा था और मुझे पैसा भी रिसीव हुआ था। तो इससे पता चल जाता कि मेरा पेटीएम अकाउंट केवाईसी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही ट्रिक बताऊंगा किस तरह आपको करना है। करना कुछ नहीं, आपको पूरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। शुरू से एंड तक यदि आप पूरा ट्रिक को सीख लेते हो तो आप भी अपना पेटीएम अकाउंट का केवाईसी कर पाओगे। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग और फ्री पेटीएम कैश अनलिमिटेड ट्रिक वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल डेली रूट ऑफर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में आपको बेल के आइकन दिखा, बेल के आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको YouTube सबसे पहले भेज देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक वाले बटन से वीडियो पे रखते 1500 लाइक का टारगेट, तो इस वीडियो में 1500 लाइक कर दो। यहाँ पे शेयर वाले बटन से वीडियो को जितना ज्यादा यार अपने जितने जिन लोगों का केवाईसी नहीं हुआ है तो आप उन्हें व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए शेयर कर दो। और नीचे आपको जो भी वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कमेंट करना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। उससे पहले बताऊंगा यार, इस पर 1500 लाइक बनता है क्योंकि यदि आप YouTube पे लिखोगे पेटीएम केवाईसी तो यार आपको काफी ज्यादा वीडियो मिलेगी। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे पेटीएम केवाईसी लिख के, तो यहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोज है। तो मैं बताना चाहूंगा यार इन वीडियो में आपको कुछ नहीं बताया जाता, बेसिकली आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया जाता है। तो वहां पे मैं बताऊंगा कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग से आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में जो आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप पेटीएम अकाउंट के केवाईसी कर पाओगे। सो गाइस, मैं आपको बताऊं क्या करना है, आपको पूरा पूरा ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले यहां पे दिखा दूं, ये मेरा पेटीएम केवाईसी हो चुका है। यहां पे देख सकते हो मैं रिसीव कर पा रहा हूं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सो गाइस, यहां पे मैं किसी को पे कर पा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि गाइस मेरा यहां पे पेटीएम केवाईसी का वेरीफाइड टिक आया नहीं आया। तो यहां पे देख सकते हो मेरा पेटीएम केवाईसी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करने के मिल रही है और साथ ही साथ किस तरह से अपना उसका सॉल्यूशन कर सकते हो और किस तरह से अपना पेटीएम केवाईसी कर पाओगे, पूरा ट्रिक आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ट्रिक बताने से पहले कहना चाहूंगा गाइस, इस वीडियो पे मतलब कि रखते यार 1500 लाइक का टारगेट, तो यार कर देना क्योंकि यार आपको ट्रिक बता रहा हूं तो यार लाइक तो बनता है ना। तो बेसिकली यदि आप यहां पे केवाईसी लिखोगे, पेटीएम में केवाईसी लिखने पे आपको क्या आता जाता है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो समथिंग वेंट रॉन्ग पे आप जितना बार लिटरली ट्राई करोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपके पास यही ऑप्शन आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या, आप किस तरह से केवाईसी कर पाओगे, पूरा ट्रिक आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पासबुक वाले ऑप्शन में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जो मेरा केवाईसी अकाउंट नहीं है, तो मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह से आप केवाईसी कर पाओगे। तो यहाँ पे रैंडमली मैं कोई डिटेल फिल करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे फिल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये रैंडमली कुछ डिटेल फिल कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास क्या शो होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है ना, समथिंग वेंट रॉन्ग शो होगा सेम टू सेम। तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या मैं पूरा बता देता हूँ, उससे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पे यही आपको ये एरर शो होगा। और यहाँ पे यदि आप जाते हो, यहाँ पे मैं आपको एक और भी ऑप्शन बताता हूँ, यदि आप यहाँ पे जाते हो और उसके बाद यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे करते हो और कंप्लीट और केवाईसी पे टैप करोगे तभी भी आपके पास ऐसा ही प्रॉब्लम शो होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्यूशन बहुत ही ईजी। आपको डिस्क्रिप्शन में एक पेटीएम का केवाईसी का वेबसाइट का लिंक मिलेगा जहाँ से आप पेटीएम केवाईसी कर पाओगे, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आते हो, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप टैप करना टाइटल पे, आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इस टाइप का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको टैप करना है। लिंक पे टैप करने के बाद आपका पेटीएम केवाईसी हो जाएगा, किस तरह करना है पूरा ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो लिंक पे टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद गाइस क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे टैप करना है, क्लिक हेयर कंटिन्यू पे टैप करते हो उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको कम से कम यहाँ पे 5 सेकंड वेट करना है। तो यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन दिख जाएगा, गेट लिंक के ऑप्शन पे टैप करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम केवाईसी का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो पेटीएम केवाईसी का यहाँ पे वेलकम टू पेटीएम केयर आ चुका है, जहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ हेल्प एंड फैक्ट में यहाँ पे FAQ है ना, तो मतलब कि आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिल जाता है यदि आप न्यू हो पेटीएम पे और यहाँ पे एड मनी करना चाहते हो या किसी को पैसा करना चाहते हो और यहाँ पे पेटीएम केवाईसी का ऑप्शन है। तो पूरा ट्रिक आपको बता रहा हूँ किस तरह आपको करना है। सो गाइस, यहाँ पे आपको कौन सा केवाईसी का, यहाँ पे केवाईसी कस्टमर क्या होता है उसके बारे में आप जान सकते हो और किस तरह से आपको अपना केवाईसी करना है। तो यहाँ पे हाउ टू बिकम अ केवाईसी कस्टमर, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिखा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा का ट्रिक बता रहा हूँ यार, कुछ नहीं करना आपको, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको पूरा ट्रिक बताऊंगा किस तरह से आपको पेटीएम केवाईसी करना है। तो आपको बैक करना है, उसके बाद गाइस आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पर टैप करना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिजॉल्व एन इशू, तो आपको रिजॉल्व एन इशू पर टैप करना है। उसके बाद गाइस आपको कहाँ पर टैप
सब्सक्राइब करना है मैं बता देता हूँ। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको वॉलेट अपग्रेड का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको टैप करना है। सिंपली वॉलेट अपग्रेड पर टैप करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कमेंट मतलब कि आपको मेल कर, सो गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन में मेल करना होता है। क्या मेल करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब आपको करना है, यहाँ पे वॉलेट, यहाँ पे आपको देख रहे हो यहाँ पे वॉलेट अपडेट रिक्वेस्ट पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है मतलब कि आपको जो भी यार केवाईसी नहीं है, ठीक है ना, नीड इन्फो ऑन एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको लिखना है अनेबल टू डाउनलोड केवाईसी फॉर्म, या यहाँ पे पेटीएम केवाईसी, ठीक है, रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको क्या लिखना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है पेटीएम रिक्वेस्ट केवाईसी इज पेंडिंग, ठीक है, आपका पेटीएम केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ यार आपको क्या करना है यहाँ पे मैसेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैसेज जो करना है यार ध्यान से देखो, वही मैसेज आपको सेम टू सेम भेजना है, ठीक है। सो गाइज आपको कुछ ऐसा मैसेज लिखना है जैसे कि मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। तो आपको लिखना है हेलो पेटीएम कस्टमर माई केयर, माई नंबर जो भी आपका नंबर हो 9737 जो मेरा नंबर है, ठीक है, इज लिंक्ड विथ माई पेटीएम एंड माई पेटीएम अकाउंट इज नॉट केवाईसी एट नाउ, आई वॉन्ट अ बेटर सोल्यूशन, डेट इज यू कैन प्लीज पास दिस प्रॉब्लम टू कंसर्न टू योर सपोर्ट टीम टू आई एबल टू डू। आपको यहाँ पर लिखना टू आई एबल टू डू, यहाँ पे एबल की स्पेलिंग मैंने गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना टू आई एवल, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, टू आई एवल टू डू माई पेटीएम के वाई सी बिकॉज वेन एवर आई ट्राई डू माई पेटीएम के वाई सी एवरी टाइम अ मैसेज अपीयर दैट इज समथिंग वेंट रॉन्ग, सो काइंडली रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, सो आई एबल टू डू माई पेटीएम के वाई सी वॉलेट टू डू सेंड मनी रिसीव मनी, सो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू काइंडली वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम इंस्टेंट, सो आई डू माई पेटीएम के वाई सी एट होम, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है एट होम थ्रू माई डॉक्यूमेंट्स, बट इफ आई अनेबल, आपको बट लिखना, बट आई इफ अनेबल टू डू माई पेटीएम के वाई सी देन काइंडली मेक अ सर्विस रिक्वेस्ट ऑफ पेटीएम के वाई सी एजेंट एट माई होम एड्रेस, ट्राई टू डू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, सो आई एबल टू डू टू यूज माई पेटीएम वॉलेट एंड ऑल फीचर्स ऑफ पेटीएम, थैंक यू सर। और जो भी आपका एड्रेस हो नीचे आप एड्रेस लिख देना। उसके बाद गाइस क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सबमिट योर क्वेरी, ठीक है, और इमेज में आपको एक अटैच करना है, जो कौन सा इमेज करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको इमेज एक अटैच करना है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आपको टैप करना है पेटीएम वॉलेट में, पेटीएम वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको पासबुक में जाना है, पासबुक में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी रैंडमली डिटेल फिल कर देना है, या अपना रियल डिटेल भी फिल कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास समथिंग वेंट रॉन्ग का इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस आपको एक मतलब कि अटैच इमेज में जाके इसे इमेज कर देना है अटैच, ठीक है, मैं आप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबमिट योर क्वेरी पर टैप कर देना है, सबमिट योर क्वेरी पर टैप करोगे तो गाइस यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा, प्लीज सिलेक्ट जेपीजी जेपीएनजी पीएनजी फॉर्मेट अप टू 1 GB, ठीक है। तो आपको क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रहा है तो उसे क्या करना है, जैसे ही आपको सारा चीज हो जाए मतलब डिटेल फिल कर दो, सबमिट एंड क्वेरी पे टैप करने के बाद गाइस आपको क्या करना है सबको बैक कर देना है। बैक करने के बाद गाइस क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। बैक करने के बाद क्या होगा, जो पेटीएम का कंसर्न टीम होगा वो आपको 24/7 हेल्पलाइन के जरिए यानी कि आपके नंबर जो भी आप रजिस्टर्ड नंबर दोगे उस पर कॉल कर देगा और बता देगा, यदि आप होगा तो मतलब वो बोलेगा कि खुद ही आपको केवाईसी कर पाओगे अपने घर बैठे तो वो भी बता देंगे, और नहीं तो नहीं हो पाएगा तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, वो कंसर्न टीम जो होगा वो उसे पास करेगा मैसेज को फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा, जो आपका केवाईसी एजेंट विजिट होता है सर्विस रिक्वेस्ट जो आपके घर के लिए अवेल कर देगा, जिसके जरिए अभी आप अपना पेटीएम केवाईसी कर पाओगे, वो बंदा आपके घर पे आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ लेगा आधार कार्ड जैसे जिससे केवाईसी होता है, फिर उसका केवाईसी करके चला जाएगा। तो यार पूरा ट्रिक यही है, तो आशा करता है यार काफ़ी अच्छी वीडियो लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तो चलो यार और अब यदि आपको कोई भी यार डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मेरा हैंडल देख सकते हो, इंस्टा हैंडल यूजर आईडी आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो इंस्टा हैंडल है देख सकते हो, यहाँ पे आपको किशन KS123 आपको लिखना है, उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम को आपको हैंडल आईडी मिल जाएगा, जिससे जरिए मैं अपना इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो यार बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।